शेयर पहुंच जाएगी, 20,000 तक आपके टीम शेयर पहुंच जाएगी। क्षमा कीजिएगा, हालिम सरदार मौजूद है भाई, टीम के सर्वप्रथम सीनियर खिलाड़ी सर, 10 नंबर बात करें रेमो क्लब की आशी आलम, ये टीम है लखन किसको गोलकीपर सुनील की टिकाई है, पहले गेंद को रेखा द्वारा संदीप बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। और 10 नंबर 4 चंद्रा मोहन, 10 नंबर 9 लक्की हेम्ब्रम, 10 नंबर 6 मधुसूदन, 10 नंबर 11 मेरी कुमार, 10 नंबर 17 रविंद्र, 10 नंबर 8 ये ब्रिगेडियर सेना है साथी खिलाड़ी को पास देना चाहते थे खिलाड़ी एफसी रंगा स्पोर्टिंग पर्चों के लिए पास, पर्चों ने गेंद को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की लेकिन डिफेंडर ने गेंद को रेफर किया था साथी खिलाड़ी के लिए। महिलाओं के इर्द गिर्द आप लोग बने हुए हैं, थोड़ा सा सभी उन दर्शकों से अपील की जाती है कि महिलाओं के लिए जगह आप लोग थोड़ा सा बना दीजिएगा, महिलाओं के लिए थोड़ा सा जगह आप लोग बना दीजिएगा। तो मिस अगस्त चैनिंग हुई यार हालिम प्लस सुनील सरदार के बीच, जीते के सीधे सेमीफाइनल, हारे के सीधे घर, क्या घर जाना पसंद करेंगे, क्या आप सेमीफाइनल में पहुंचना पसंद करेंगे? और निश्चित बात है दोनों टीम चाहेगी कि इस मैच को जीत कर सेमीफाइनल की ओर अपने टीम को पदस्थापित करने का, लेकिन सवाल प्राप्ति का आपके यहाँ जरूर है, इस सवाल का जवाब भी ढूंढा जाएगा मैदान के बीचों बीच है, क्या इस मैच को रेमो क्लब जीतती है, क्या इस मैच को रंगा स्पोर्टिंग जीतती है। टॉस सिंधरी की टीम जो पहले ही अपने आप को सेमीफाइनल में पदस्थापित करी है और यहाँ से जो टीम जीतेंगे भाई और चले जाएंगे सीधे सेमीफाइनल में, रंगा स्पोर्टिंग हो या क्या चल अगले मैदान पर भिड़त होगी टॉस सिंधरी के साथ में। कहीं ना कहीं इस मैच को टॉस सिंधरी की टीम करीब से देख रही है क्योंकि इसी दोनों टीमों में से उनकी विपक्षी टीम सामने उभर कर आएगी, मालूम है इस दोनों टीमों में से किस टीम के साथ वो ज्यादा खेलना पसंद करेंगे। फिलहाल गेंद को निकाल दिया गया 10 नंबर 12 के लिए, अच्छी विशाल टुडू 10 नंबर 12 की नसीब पर, हालांकि बाएं छोर की तरफ से काउंटर के लिए निकली है आगे मुकाबला, क्या गेंद को रिलीज किया जाएगा, बहादुर सोरेन की मुसीबत है वहां पर रही थी और अच्छा कमाल का गोलकीपर माने जाते हैं बहादुर सोरेन है, जिनको टाटा फुटबॉल एकेडमी की तरफ से भी बेस्ट गोलकीपिंग का अवार्ड नवाजे गए थे जमशेदपुर फुटबॉल एकेडमी की तरफ से, हालांकि इंजरी की वजह से कुछ दिन घर पर बैठना पड़ा था बहादुर सोरेन है, उस वजह से उनको घर पर बैठ गया पाव भर वजन बोले यहाँ पर आउट हो जाती है वहां से उत्पन्न हो जाती है। फिलहाल एक नजर कांटे भरे मुकाबला आप कह सकते हैं, कोई भी टीम इस समय ओपोनेंट टीम के लिए फूलों के बौछार कतई करना पसंद नहीं करेगी, जरूर चाहेगी वो कांटे वाले राह जो है एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर जरूर वो डालने का प्रयास करेगी, बहुत गंदा पसंद करेंगे दोनों टीम, जरूरी नहीं कि आप अपने विपक्षी टीम के रजाकार को सुने बिंदु को बना रहे हैं शून्य शून्य की पोजिशन पर, हालांकि अच्छी फिनिशिंग की जरूरत, अरे इन्होंने क्या खूबसूरती से गेंद को हैंडल किया था, बिल्कुल बहादुर सोरेन की मुसीबतें बढ़ रही थी वहां, लेकिन मुसीबत तो क्या सुंदर तरीके से हैंडल किया बहादुर ने, कमाल के गोलकीपर है जितनी भी तारीफें करें वो कम पड़ जाएगी और बहादुर सोरेन की गोलकीपिंग के दरमियान ये टीम काफी चर्चित में रही है रंगा स्पोर्टिंग राजनगर। कृपया
हालांकि लंबी बॉल खेला रसिला पठान के लिए चेस्ट डाउन करने का प्रयास और वहां पर फिर से सुनील सरदार परजो के साथ परजो संदीप को खेला है बॉल संदीप रनिंग विद बॉल सुनील लेकिन वहां चार नंबर मौजूद मिस्टर करी महापा संजय को पास खेला करी से और लीजिए आप देख सकते हैं पंडाल एंड पर डीएसएलआर का कैमरा बिल्कुल ओपन हुआ है और सभी मैचों को रिकॉर्ड करते हुए अपने मेमोरी कार्ड में बाद में आप मोबाइल में देख पाएंगे कि भाई यूट्यूब चैनल पर इस टूर्नामेंट में जो भी मैच आप मिस किए हैं दोबारा अपने मोबाइल सेट पर देख सकते हैं। ये खास बात है एक अच्छे गोलकीपर के साथ साथ एक अच्छे संसाधन तमाम दर्शक आपका मैच भी है आप कर सकते हैं आगे बढ़कर नहीं बढ़िया बता है सात नंबर के लिए जोरदार किक डाला जरूर अभी भी गेंद वहीं पर मना रही है बॉक्स के अंदर टिकट लेकर घर भेज रहा है और वो टिकट है क्या मजा है भाई का हेलो क्या चे ठीक है आंडो अंदर चल के आंडो आउले हम नो कौन बात है ओ कौन रे ना भोय रे आ चला आ समझ ठेले तो ना देख रहे